एक तरफ जब मानसून से निपटने के लिए पौड़ी में तैयारियां की जा रही हैं, तो वहीं बद्रीनाथ और पौड़ी हाईवे पर कई स्थानों पर बरसाती पानी की निकासी के लिए बनाए गए नालों का स्कर्ब्स और हाईवे किनारे बनाई गई नालियां मलबे से चौक हो रही हैं। आपको बता दें कि ऋषिकेश से लेकर रुद्रप्रयाग और श्रीनगर से लेकर सतपुली के बीच कई स्थानों पर बरसाती पानी की पक्की और कच्ची नालियों के साथ बड़े स्कर्ब्स की भी यहाँ स्थिति है। ऐसे में जहाँ शुरुआती वर्षा काल में हाईवे से सटी पहाड़ियों और भूस्खलन के मामले भी सामने आने लगे हैं, वहीं बरसाती पानी के लिए बनाई गई नालियां और स्कर्ब्स मानसून काल में नई मुसीबत पैदा कर सकते हैं। पौड़ी से मुकेश बछेती की रिपोर्ट। इनफैक्ट देखिए, ये स्थिति है और क्योंकि अभी नया मार्ग का चौड़ीकरण हुआ है तो हिल स्लोप को स्टेबलाइज होने में थोड़ा समय तो लगेगा और पहला बारिश या दूसरा बारिश में इस तरह की स्लाइड्स आएंगे। अब देखिए, नाली की कैपेसिटी जो है वो तो वर्षा की जल की निकासी के लिए है, वो स्लिप्स को निकास तो नहीं कर पाएगी। तो जैसे जैसे वो भर्ती जहाँ जहाँ हमारे संज्ञान में आता जा रहा है, उन सारी जगहों पे हम जो है ड्रेन का बकेट लगा के जेसीबी से नालियों को